नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। सबसे पहले बात आतंकी साजिश की। आतंकी एक बड़ी साजिश का भंडाफोड़ हुआ है। पाकिस्तान और अंडरवर्ल्ड की जो गठजोड़ वाली साजिश खतरनाक थी। त्योहारों पर कई शहरों में धमाके का खौफनाक प्लान था और इस साजिश में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियां ISI के साथ पाकिस्तान में छिपे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का भाई अनीश इब्राहिम भी शामिल था, या यूं कहे वही मास्टरमाइंड था। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। वो छह चेहरे रच रहे थे सबसे बड़ी साजिश, साजिश त्योहारों पर धमाके की, साजिश पूरे देश को दहलाने की, साजिश स्लीपर सेल के हमले की, साजिश देश भर में सीरियल ब्लास्ट की। बेहद खौफनाक प्लान था आतंकियों का। देश के अलग अलग कोने में बैठकर पूरी साजिश का सूत्र रचा गया। निर्देश नापाक पाकिस्तान से मिल रहा था। देश को गहरा जख्म देकर हिंदुस्तान में हड़कंप मचाने की तैयारी थी, लेकिन वक्त रहते दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने आतंक के इन ताने बाने को तबाह करने की ओर रणनीतिक प्रहार किया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम और UP ATS ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। स्पेशल टीम ने छापेमार कार्रवाई करते हुए सभी छह आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मोहम्मद अबू बकर को दिल्ली के सराय काले खां से गिरफ्तार किया। जान मोहम्मद शेख मुंबई से दबोचा गया। आतंकी मूल चंद उर्फ लाला को रायबरेली से गिरफ्तार किया गया। आतंकी जिशान कमर को यूपी के प्रयागराज से गिरफ्त में लिया गया। आतंकी मोहम्मद अमीर जावेद भी दबोचा गया, जबकि आतंकी ओसामा को दिल्ली के ओखला से गिरफ्तार किया गया। जिन अन्य छह आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई, उनमें से दो आतंकी पाकिस्तान में विस्फोटक बनाने और AK-47 जैसे हथियारों की ट्रेनिंग लेकर लौटे थे। इसमें जैसा मैंने बताया, दो आदमी ऐसे हैं जो कि अभी अप्रैल में यहाँ से मस्कट गए थे, यहाँ से वो बाय एयर गए और वहाँ से मस्कट से इनको बाय शिप एंड बोट पाकिस्तान ले जाया गया। वहाँ ग्वदर पोर्ट के पास एक फार्म हाउस में इनको रखा गया और जहाँ पर कि इनको एक्सप्लोजिव बनाने में और साथ में फायर आर्म्स इंक्लूडिंग AK-47 हैंडल और फायर करने की ट्रेनिंग दी गई। आतंकियों के तार माफिया दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तानी एजेंसी ISI से जुड़े बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली समेत कई राज्य इन आतंकियों के निशाने पर थे। एक टीम थी जो कि अंडरवर्ल्ड के हवाले की गई थी, जिसे कि वहां पे दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम कोऑर्डिनेट कर रहा था। इस टीम का काम था कि जो वहां से फायर आर्म और एक्सप्लोजिव आएंगे उनको ठीक से सुरक्षित तौर पे बॉर्डर के पार कराकर भारत के विभिन्न शहरों में इनको कंसील करके रखना, जब इनका इस्तेमाल होना उससे पहले तक। और दूसरा काम, ये जो अंडरवर्ल्ड वाली टीम थी, इसका काम था कि फंडिंग ऑर्गेनाइज करना हवाला के थ्रू। दबोचे गए सभी आतंकी पाकिस्तानी मॉड्यूल पर काम कर रहे थे। आतंकियों के इन मॉड्यूल का खुलासा करने के लिए एजेंसी ने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली में छापेमार कार्रवाई करते हुए इनको गिरफ्तार किया। जांच एजेंसियों का दावा है कि पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों के पास से बड़ी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए हैं। आतंकियों से जुड़े स्लीपर सेल की गिरफ्तारी करने के लिए ATS और पुलिस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। सूत्रों से खबर है कि कानपुर और प्रयागराज में UP ATS ने संदिग्धों को भी हिरासत में लिया है। ये आतंकी पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के निर्देश पर तमाम आतंकी साजिशों को अंजाम देने में जुटे हुए थे। आतंकियों के खतरनाक मंसूबों को देखते हुए दिल्ली से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। ये दो आदमी जो पाकिस्तान ट्रेंड है, प्लस इसमें एक आदमी और है जो कि जिनका काम था कि इंडिया की मेजर सिटीज में वो लोकेशंस आइडेंटिफाई करना, जहां पे कि अभी आने वाले फेस्टिवल सीजन में
इन आईडीज को बॉम्ब ब्लास्ट कराए जा सके। आतंकियों के मंसूबों को देखते हुए धर्मनगरी और तमाम अहम जगहों पर सुरक्षा इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं। लखनऊ के अलावा अयोध्या, मथुरा, वाराणसी और आगरा में चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की डिमांड पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आतंकियों की 14 दिन की रिमांड दी। स्पेशल टीम आतंकियों से पूछताछ के दौरान शिनाख्त पर लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, सरकार ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। मीटिंग ऐसे त्योहारों के सीजन पर बाजारों में बिजली विस्फोट करना चाहते थे, ऐसे तथ्य प्रकाश में आए हैं, लेकिन सरकार पूरे प्रकरण पर गंभीरता से नजर रखे हुए है और जांच के लिए निष्पक्ष के लिए कहा गया है और ऐसे और भी लोग जो वंचित हुए उनको दबोचा जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा और कड़ी से कड़ी सजा। तो वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रामीण मार्गों का लोकार्पण और शिलान्यास किया, कार्यक्रम में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने ग्रामीण मार्गों के निर्माण कार्यों का शुभारंभ और नवीनीकरण कार्यों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इस दौरान योगी ने कहा कि सड़क आवागमन के माध्यम ही नहीं है बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का भी एक जरिया है। दुनिया में जो भी देश विकसित हुए हैं उसके पीछे उनका मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां ज्यादातर आबादी गांवों में बसती है, वहां अगर आवागमन के रास्ते अच्छे नहीं होंगे तो स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था को मजबूती नहीं मिल सकती। रिन्यूअल के जो काम किए गए हैं लगभग 2000 किलोमीटर वो तैयार हो गए हैं, उनका लोकार्पण। उत्तर प्रदेश सरकार ने 500 आबादी के सभी राजस्व गांव और मजरों को कनेक्टिविटी से आच्छादित करने के बाद नक्सल प्रभावित उन सभी गांवों को भी जो 250 की आबादी से ऊपर के थे उन्हें भी सड़क मार्ग से जोड़ने का एक अद्भुत कार्य तो समय पे किया ही, आज उन्हीं सब कार्यों के यहां पर उद्घाटन और लोकार्पण का कार्यक्रम पूरे भव्यता के साथ संपन्न हो रहा है, जिसमें हमारे सभी जिला पंचायत के अध्यक्षगण, हमारे सभी माननीय सांसद विधायकगण इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें FDR की एक नई तकनीक को भी जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। सीएम ने मथुरा के कोसी कला में 814 करोड़ की लागत से पेप्सिको इंडिया की ओर से लगाए गए फूड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का वर्चुअली उद्घाटन किया। यह देश में पेप्सिको का सबसे बड़ा निवेश है। इस प्लांट से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीबन 1500 से ज्यादा लोगों को रोजगार मुहैया हो जाएगा। इसके साथ ही मैं पेप्सिको इंडिया से इस बारे में आग्रह करूंगा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादन का राज्य है और पर्याप्त जल संसाधन हमारे पास मौजूद है। मुझे लगता है कि प्रकृति और परमात्मा की असीम कृपा उत्तर प्रदेश पर है कि जितनी उर्वरा भूमि और जितनी जल समृद्ध जल संसाधन हमारे पास है यहां पर निवेश के लिए उतना ही अनुकूल वातावरण भी है और खास तौर पर किसानों की संख्या अगर आप देखेंगे देश का सबसे बड़ा मार्केट भी हमारे पास है क्योंकि 24 करोड़ की आबादी अकेले उत्तर प्रदेश में निवास करती है। हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से अब तक 2.5 करोड़ किसानों को हर वर्ष 6000 रूपये पेंशन उपलब्ध करवा रहे हैं। तो ये 2.5 करोड़ किसान सीधे सीधे सरकार के साथ सरकार के पोर्टल के साथ जुड़ा हुआ है। इन 2.5 करोड़ किसानों को हम लोग उनकी आमदनी को कई गुना बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीजीपी मुकुल गोयल को कल तक प्रयागराज न छोड़ने का आदेश दिया है। डीजीपी मुकुल गोयल आज हाईकोर्ट में मैनपुरी के जवाहर नवोदय विद्यालय में छात्रा की संदिग्ध मौत मामले में पेश हुए थे, जहां हाईकोर्ट ने डीजीपी के जवाब से संतुष्टि नहीं जाहिर करी है। कोर्ट ने डीजीपी को गुरुवार यानी कि कल कार्रवाई और तैयारी के साथ अदालत में पेश होने के निर्देश दिए हैं। साथ ही हाईकोर्ट ने डीजीपी को मैनपुरी के एसपी के खिलाफ कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि
लक्ष्मी मैनपुरी को हटाएं या फिर जबरन सेवानिवृत्त किया जाए। हाईकोर्ट ने जवाहर नवोदय विद्यालय मैनपुरी की छात्रा की फांसी के बाद पंचनामे की वीडियो रिकॉर्डिंग देखी। कोर्ट ने पुलिस के रवैये पर कड़ी नाराजगी जाहिर करी है और नाराजगी जाहिर करते हुए डीजीपी को पूरी तैयारी के साथ कोर्ट में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने से लगता है कि छेड़छाड़ की गई है, गले में फांसी के निशान संदेह पैदा कर रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डीजीपी मुकुल गोयल से कहा कि कार्रवाई करें, नहीं तो बड़ा कदम उठाया जाएगा। कई आदेशों के पारित होने के बावजूद भी जब समुचित कार्रवाई नहीं दिखी तो कल न्यायालय ने सुनवाई के दौरान यह पाया कि लगता है कि जानबूझ करके अपराधियों को या तो बचाया जा रहा है या अन्य कोई कारण है जिसकी वजह से क्षुब्ध होकर के न्यायालय को उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को बुलाना पड़ा न्यायालय में, और आज वो उपस्थित हुए 10 बजे न्यायालय में, लेकिन उनके द्वारा भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जा सका। न्यायालय ने उस महानिदेशक महोदय को उनसे बहुत सी जानकारियां चाहीं। उन्होंने यह पूछा न्यायालय ने कि आपने क्या अभी तक कार्रवाई की, दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी ने 100 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। आम आदमी पार्टी ने यूपी में बिना किसी के साथ गठबंधन के अकेले चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया है। प्रत्याशियों की सूची में आम आदमी पार्टी ने 35% सीटों पर अति पिछड़ा उम्मीदवार उतारे। अनुसूचित जाति वर्ग से 16 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है, तो वहीं 20 ब्राह्मण और 5 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने 100 विधानसभा प्रभारियों की सूची जारी कर रही है और ये 100 विधानसभा प्रभारी हमारे संभावित प्रत्याशी और उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्रों से होंगे। इस मंशा के साथ आम आदमी पार्टी ने इन 100 विधानसभा प्रभारियों का चयन किया है। इस सूची में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व पिछड़े वर्ग के लोगों को 35 कैंडिडेट आम आदमी पार्टी की ओर से पिछड़े वर्ग के कैंडिडेट्स को बनाया गया है। तो बड़ी खबर सामने आई है, आम आदमी पार्टी ने संभावित प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। प्रत्याशियों की लिस्ट में अयोध्या जिले का नाम फैजाबाद लिखा गया है। आपके लिस्ट में अयोध्या का नाम फैजाबाद लिखा गया है। आम आदमी पार्टी ने आज ही जारी की है 100 संभावित प्रत्याशियों की सूची। अयोध्या के प्रभारी के नाम के आगे फैजाबाद लिखा गया है। बेहद बड़ी खबर आपको लखनऊ से दे रहे हैं इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। आम आदमी पार्टी ने आज ही 100 संभावित प्रत्याशियों की सूची जारी करी है, जिनको जिला प्रभारियों का नाम दिया गया है और ये कहा गया है कि ये तमाम जो जिला प्रभारी हमने नियुक्त किए हैं यही संभावित प्रत्याशी हैं, जिनमें से कई जो पिछड़ा वर्ग की सीटें हैं, माफ कीजिएगा, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है। लेकिन सबसे अहम बात क्या है इस पूरे लिस्ट में, सबसे अहम बात यह है कि जो जिला प्रभारी है अयोध्या के, उनके नाम के आगे फैजाबाद शब्द का जिक्र है। ऑफिस प्रवेश द्वार का उद्घाटन करने पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 1,10,00,000 की लागत से बने गेट का फीता काटते हुए लोकार्पण किया है। इस किसान नेता राकेश टिकैत के ओवैसी को योगी का चचा जान बताने पर उन्होंने कहा कि इस तरह के बयानों की निंदा होनी चाहिए, अगर वो किसानों के मुद्दे पर हैं तो फिर राजनीति क्यों कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ विधानसभा 2022 की तैयारियां उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुकी हैं। यही वजह है कि सभी विपक्षी दल आम आदमी पार्टी आगामी चुनावों के दौरान भाजपा को घेरने में लगे हुए। इसी क्रम में आज वाराणसी के मुनारी स्थित मैदान में सुभाषपा ने भारतीय संविधान सभा के सदस्य डॉक्टर रत्नप्पा कुमार और
पर पेरियार रामास्वामी की जयंती के मौके पर सभा का आयोजन किया। इस दौरान ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी को जमकर घेरा है। राजभर ने कहा, जनता ने बीजेपी की कुटाई शुरू कर दी है। उन्होंने मुख्तार की पार्टी को लेकर के कहा कि टिकट दिए जाने के सवाल पर बोलते नजर आए कि अगर मुख्तार चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उनका हमारी पार्टी में स्वागत है। नारा दिया, हमारा नारा पहले से है, खम्मा तो हिलबे करी जब से हुरल न जाई, हिस्सा तब तक ना मिली, हिस्सा तब तक हमें न मिली जब तक ये बेईमानन के थूरल न जाए। तो क्या 2022 में कूटेंगे भी? कुटाई शुरू हो गई है। आपने मेरठ देखा, मुरादाबाद देखा, अलीगढ़ देखा, अमरोहा देखा, अयोध्या देखा, चारों तरफ कुटाई शुरू कर दिया है जनता ने। तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी किस तरह से टूटेंगे? एकदम हमारा मोर्चा एकदम जिंदाबाद है। हमारा मोर्चा उनका स्वागत असदुद्दीन ओवैसी ने पहले ही कर चुका है। हमने भी, हमसे लखनऊ में भी पूछा गया सवाल, उनका स्वागत है। पहले भी हमारा उनका संबंध है, आज भी संबंध है। हमारा संबंध तो उत्तर प्रदेश के सबसे है, 24 करोड़ आबादी से है। ब्रिजेश सिंह से भी है, धनंजय सिंह से है, राजा भैया से है, अतीक अहमद से है, मुख्तार अंसारी से है। जिसको जो जरूरत पड़ती है हमारे यहाँ आते हैं, मदद करते हैं। तो इस बार 2022 में मदद करेंगे आप लोग? मुख्तार अंसारी को स्वागत है, चुनाव लड़ना चाहें तो एकदम स्वागत है। उत्तर प्रदेश की सड़कों की खराब हालत और गड्ढों पर सरकार को घेरते हुए बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने कहा, यूपी की सड़कों की हालत फिर से इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि लोग समझ नहीं पा रहे कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए कहा, यूपी में कानून व स्वास्थ्य व्यवस्था की तरह यहाँ की सड़कों की दुर्दशा और खस्ता हालत से आम जनजीवन काफी ज्यादा बेहाल है और गड्ढों में पानी भर जाने से सड़क हादसों और कई तरह के जो हादसे हैं दर्दनाक मौतों को निमंत्रण दे रहे हैं। खबरों से अखबार पटा पड़ा है, यह अति दुखद और सरकार की विफलता का जीता जागता प्रमाण है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए रुख करेंगे देवभूमि का। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तराखंड से, इस वक्त की बेहद बड़ी खबर। प्रदेश में यूपी बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद अलर्ट मोड पर है सूबा। प्रदेश में संवेदनशील स्थानों पर निगरानी भी बढ़ा दी गई है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद अलर्ट मोड पर देवभूमि। देहरादून से बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है, प्रदेश के संवेदनशील स्थानों पर चौकसी बढ़ा दी गई है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी देहरादून से, प्रदेश में यूपी बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद ये तमाम तरह की जो अपडेट्स हैं वो देखने को मिल रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोनलाइन पर अजीत कांबोज जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। अजीत, क्या कुछ अपडेट है? गिरफ्तारी हुई आतंकियों की, उसके बाद यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है? बिल्कुल, अगर उत्तराखंड प्रदेश की बात की जाए तो संवेदनशील श्रेणी में आता है। यहाँ पर कई ऐसे केंद्रीय संस्थान हैं जिनको काफी सुरक्षा की जरूरत होती है। सीधे तौर पर बात करें तो भारतीय सैन्य अकादमी खुद राजधानी देहरादून में मौजूद है। तो ऐसे में संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर अतिरिक्त सतर्कता बढ़ा दी है और जितनी भी फोर्सेज उत्तराखंड पुलिस की तैनात है या फिर पैरामिलिट्री की यहाँ पर है उन सभी को अलर्ट मोड पर किया गया है। हालांकि कोई बड़ा अलर्ट यहाँ पर इस तरह का अभी सामने नहीं आया है, लेकिन पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से सतर्क है और एहतियात बरतते हुए पहले ही अलर्ट यहाँ पर घोषित किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राम जीरो से साझा करने के लिए। तो बेहद बड़ी खबर देहरादून से, उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। अलर्ट मोड पर है सूबा, आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद अति संवेदनशील क्षेत्रों को निगरानी में रखा गया है। तो वहीं उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बीच तकरार जारी है। हाल ही में अब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इशारों में हरक सिंह रावत पर तंज कसा, जिसकी चर्चा सियासी गलियारों में तेजी से हो रही है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि एक जानवर होता है गधा, वो हमेशा ढैंचू ढैंचू करता रहता है। उन्होंने बगैर नाम लिए कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत पर यह तंज कसा है। आपको बता दें कि हरक सिंह रावत ने कहा था कि ढैंचा बीज घोटाले में उन्होंने त्रिवेंद्र को जेल जाने से बचाया था।
उत्तराखंड में बीजेपी के चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, चुनाव सह प्रभारी लॉकेट चटर्जी और आरपी सिंह 16 सितंबर को दो दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। आपको बता दें कि उनके साथ प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा भी मौजूद रहेंगे। ऐसे में बीजेपी भव्य स्वागत की तैयारियों में जुटी हुई है और एयरपोर्ट से बीजेपी हेडक्वार्टर तक जगह जगह स्वागत की तैयारियां की गई हैं। बताया भी जा रहा है कि इस बीच चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी जिलाध्यक्ष से लेकर प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों के साथ अलग अलग बैठकें करेंगे। कोर ग्रुप की भी मीटिंग की जाएगी और विधायकों के साथ चुनाव की तैयारियों को लेकर बातचीत भी होगी। चुनाव प्रभारी, चुनाव के दोनों सह प्रभारी, संगठन के प्रभारी सभी लोग कल उत्तराखंड आ रहे हैं। उत्तराखंड में कल और परसों के अनेक कार्यक्रम हम लोगों ने बनाए हैं, जिसमें संगठन के लोगों से बातचीत, छोटा कोर ग्रुप, बड़ा कोर ग्रुप, टोली बैठक, जिला अध्यक्षों के संगठन से अन्य लोगों से बातचीत करना, फिर अन्य कार्यक्रम भी है जो बैठेंगे, तो ये एक कार्यक्रम का स्वरूप रहेगा दो दिन। उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी में तू डाल डाल में पात पात का खेल शुरू हो चुका है। कांग्रेस ने 3 सितंबर को खटीमा से पहले चरण की परिवर्तन यात्रा निकाली, तो वहीं इसके तोड़ में बीजेपी ने भी 3 सितंबर को ही जन आशीर्वाद यात्रा निकालने का प्लान बनाया था। अब कांग्रेस 17 सितंबर को हरिद्वार में गंगा पूजन के बाद दूसरे चरण की परिवर्तन यात्रा का आगाज करने जा रही है। ये यात्रा 17 सितंबर से 20 सितंबर तक संचालित की जाएगी। देखिए, जिस तरीके से आपने देखा कि परिवर्तन यात्रा का जो हमारा पहला फेज था वो बहुत ही सफल हुआ, आपने देखा कांग्रेस जन के साथ साथ आम जनमानस जो था वो भी उसने जन सैलाब बन करके उसमें उमड़ा था। इसीलिए नेक्स्ट जो स्टेज है वो हरिद्वार की है। हरिद्वार की हर की पौड़ी की माँ गंगा की आरती के साथ हम इस परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ करेंगे। शाम को आरती होगी, उसके बाद हर की पौड़ी से हम प्रस्थान करेंगे ज्वालापुर की तरफ और वहां से सभाएं करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार की सभी विधानसभा सीट और ऋषिकेश की विधानसभा सीटों को कवर करते हुए ये 3 दिन का पूरा कार्यक्रम है और 3 दिन बाद जो है, और बिल्कुल इस परिवर्तन यात्रा में भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी जन विरोधी नीतियां हैं जो हमने परिवर्तन यात्रा 1 में भी जनता के सामने रखने का वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का ब्रेक। इस बार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।